गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आपके बच्चों का रिजल्ट ले लिया? एकदम एक्सीलेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने रिजल्ट ले लिया? रिजल्ट ले लिया। आपके कितने परसेंटेज आए? 88%। क्या आप मेरा नहीं आया, मेरे बच्चे का आया है। आप सेटिस्फाइड हैं इस रिजल्ट से? हाँ, संतुष्ट हूँ। और स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, हर स्तर पे पढ़ाई अच्छी हो रही है, विद्यालय अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, यहाँ के प्राचार्य बढ़िया मोटिवेट करते हैं बच्चों को, है ना? बाकी सब ठीक है। और सर आप असेंबली प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस ऑलमोस्ट सभी ठीक है, बच्चों की निरंतर अच्छी पढ़ाई होती रहे, बच्चों की राइटिंग पे ध्यान दिया जाए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए, और विद्यालय का और बच्चों का और सभी का नाम रोशन किया जाए, और जो प्राचार्य महोदय उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और बहुत खुशी की बात है कि वो जब भी हम आते हैं बराबर टाइम देते हैं और हमसे अच्छे से बात करते हैं, इसलिए मैं प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आप स्कूल को कितना 10 में से कितना मार्क देना चाहेंगे? 10 में से 10 देता हूँ मैं तो। यस सर, थैंक यू सर। है ना, ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पटेल। सर नीलेश सर, सर आपके कितने परसेंट मार्क्स? मेरे नहीं, एक तो अपनी अनन्या है। बेटा कितने हुए आपके? 98 हुए अनन्या के, और कल्याणी के अपने इसके 98 है, सागर के इसके 65 है। इतने परसेंटेज बना हुआ। सर आप इन सब परसेंटेज से संतुष्ट हैं? परसेंटेज बेटा मायने नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ में, मतलब कि परसेंटेज क्या है ये तो बनते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कि क्या रहता है किसी का, कोई जैसे लिखता है, पढ़ाई अच्छी करता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या होता है, थोड़ा भूल जाता है, डर जाता है, तो जो लिखना चाहता है वो लिख नहीं पाता है, लेकिन याद उसको सब कुछ रहता है। तो मेरे हिसाब से मतलब जो परसेंटेज है वो मायने नहीं रखते। तो सर आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पढ़ाई से संतुष्ट हूँ। यस सर। सर आप स्कूल की एक्टिविटीज़ और स्कूल में जो जो भी होता है सर उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो एक स्कूल की जो एक्टिविटीज़ रहती है, फंक्शन रहते हैं, उनको मैं अपने फेसबुक पर, स्टूडेंट ग्रुप पर देखता रहता हूँ। तो सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं स्कूल को 10 में से 10 मार्क्स ही दूंगा। थैंक यू सर जी। कितने परसेंट मैंने? 97%। तो आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप स्कूल की एक्टिविटी या फिर टीचर्स को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऑलवेज जो सारा एक्सीलेंट से पर यहाँ पर स्टाफ भी अच्छा है, बाकी सब अच्छा। एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? एक्टिविटीज़ हाँ बढ़िया है, लगभग बढ़िया ही है। आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैसा रहा सर बच्चों का रिजल्ट? बहुत बढ़िया। ओके, कितने परसेंट बने बेटा? सर 95। कौन सी रैंक लगी? सर थर्ड। थर्ड रैंक। आपका कौन सा? 96%। तो सर क्या बच्चों की पढ़ाई में क्या इम्प्रूव है? बहुत बढ़िया है, और पिछले दो साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत बढ़िया है। मतलब पढ़ाई दो साल से, उसके पहले और बच्चों को फर्क है? हाँ बहुत फर्क है। इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो आपको खुशी है बेटा, आप टॉप 10 आ रहे हैं? यस सर। आप कुछ बताना चाहेंगे सर स्कूल की पढ़ाई के सुझाव और कोई सुझाव? जी बढ़िया है सर, कोई। तो अगर मैं स्कूल के लिए नंबर दे मांगू 10 में से, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? स्कूल के लिए 10 में से 10। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपके बच्चे का रिजल्ट? बहुत बढ़िया रहा। कितने परसेंट मैंने? इसके 94। तो आप क्या इसके रिजल्ट से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। तो आप हमारे स्कूल में एक्टिविटी, असेंबली, प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब बहुत बढ़िया है, चल रहा है, अच्छा एक्टिविटी ऐसे होना चाहिए, हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स? जी मैं तो 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। थैंक यू सर। ओके सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
कैसा रहा आपका रिजल्ट? बहुत बढ़िया रहा रिजल्ट, 97% लग बने हैं। आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सैटिस्फाई हूँ जी। हाँ, तो आप हमारे स्कूल में एक्टिविटीज प्रोग्राम प्रिंसिपल सर टीचर्स सबको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? सभी एक्सीलेंट, एजुकेशन एक्सीलेंट है और इसके अलावा सभी चीज में एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रही है स्कूल से। पहले से पहले से आपका बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट बहुत आया है, बहुत रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपके बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा सर। आप हमारे स्कूल से बढ़िया है हमारे स्कूल? हाँ, सर्टिफाई से। और सर एक्टिविटीज के बारे में? बहुत अच्छी एक्टिविटी चलती है सर। आप हमारे अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा यहाँ का माहौल भी अच्छा है सर। आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लास में फर्स्ट रैंक के, फर्स्ट बी में। हाँ, तो मैम आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइंग हैं? वेरी गुड, बहुत एक्सीलेंट, मतलब बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से। मैम आप स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, बच्चों को बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से। यस मैम। और मैम आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? एकदम एक्सीलेंट सर। कितने परसेंटेज बनेंगे इसके? बने हैं 99 सर। रैंक? रैंक है 4th। सर इनके रिजल्ट से आप खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। आप हमारे स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है स्कूल में, बढ़िया सर। उस बार से इंप्रूवमेंट हुआ कुछ? जी बिल्कुल हुआ ना सर। एक्टिविटीज के बारे में कुछ? एक्टिविटी एक नंबर बढ़िया है सर। 10 में से कितने मार्किंग करना? 10 में से 10। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम? चिंतामन मंडलोई। सर आपकी बेटी के कितने परसेंट मिले? 90%। सर आप इनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। आप स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छे एक्टिविटीज़ है, स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। ओके सर। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं इससे 10 मार्क देना चाहूँगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने रिजल्ट ले लिया? हाँ। कितना परसेंटेज बना है इसका? 99। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शिविका शर्मा। कितने परसेंटेज है आपके? 99। थैंक यू मैम। आप स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है स्कूल और इसने बहुत अच्छा कवर करा। आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क देना चाहेंगे? 10 में से 10। आप कितना देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम? चेतना माली। मैम कितने परसेंट बने मैम आप? 100% बने। मैम आप सेटिस्फाइंग हो इस रिजल्ट? हाँ, बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा। मैम आप स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल तो बहुत अच्छा है वैसे, सब बढ़िया है, एक्टिविटीज़ वगैरह और स्टडी वगैरह सब अच्छा है, एक्सेलेंट है। मैम आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में से तो 10 ही दूंगी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट हो गया? हाँ हो गया। कितना परसेंटेज आए? शानवी पाटीदार के 99 और सांवरिया पाटीदार के 78। आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। स्कूल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, बच्चों का पढ़ना, शिक्षकों का पढ़ाना, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सुधार आया है। जैसे इसको मैं अगले साल लेके आई, मतलब एक ही साल हुआ है और उसको बहुत अच्छा सुधार आया है, इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। अगली बार में 68 थे, 78 हो गए, मतलब बहुत डिफरेंट है। हाँ। और स्कूल को आप 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? 10 में से 10। सर टीचरों को, स्कूलों को, प्रिंसिपल सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम? महेश। सर आपके बेटे के कितने परसेंट बने? जी मेरे बालक का 78% बने। सर आप इस रिजल्ट से संतुष्ट है? जी सर बिल्कुल। सर आप स्कूल की एक्टिविटीज और स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर स्कूल के बारे में बढ़िया स्कूल है और फर्स्ट में ही नर्सरी में ही आया है, मतलब पहली
पहले ही भर्ती करवाया था इसको, अच्छे परसेंटेज बने इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? जी 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 18 तो देंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट? बढ़िया रहा, सेकंड रैंक लगी उसकी। पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट आया बच्चे में? अभी तक तो 2 साल हो गए, सेकंडरी रैंक लग रही है उसकी, तो इम्प्रूवमेंट जो है वही बैलेंस में है। तो आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10 मार्क्स। थैंक यू सर। वेलकम जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपका नाम? सोहन परमार। सर आपके बेटे के कितने परसेंट बने? ये 100%। सर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइंग हैं? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। सर आप स्कूल की एक्टिविटीज़ और स्कूल में जो होता है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सारी एक्टिविटीज़ परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से मैं तो 10 ही देना चाहूँगा। थैंक यू सर। अच्छा तो बढ़िया पढ़ रहा है। थैंक यू सर। सर आपका नाम? जितेंद्र पटेल। सर जितेंद्र सर कितने परसेंट बने सर आपके बेटे? 91। सर आप सर संतुष्ट है सर? हाँ संतुष्ट है। सर आप स्कूल में, सर स्कूल के बारे में और स्कूल के एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहिए? बस कुछ बोलना चाहते हैं और क्या, बड़े अच्छी और क्या। थैंक यू सर। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? क्या 10 में से? यस सर। 99 मार्क। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे रहा आपके बच्चे का रिजल्ट? बहुत अच्छा रहा मैडम, रिजल्ट तो। कितने परसेंट बने आपके बच्चे? 95%। तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया पहले से लेकर? हाँ, बिल्कुल आया ना। तो आप उनके रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं? हाँ बिल्कुल है। तो आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देने? 10। थैंक यू सर। थैंक यू।